एक दिन को अच्छा बनाने के लिए तो सबसे पहले यही है कि भी टाइम से सोना और टाइम से उठना। तो भई अगर हम टाइम से सो जाएंगे तो टाइम से उठ भी पाते हैं, वरना फिर वही लेट तक हमारे काम चलते रहेंगे, शरीर में आलस बना रहेगा और हमारा कोई भी काम नहीं बन पाएगा अच्छे से, क्योंकि हम काम को टालते रहेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और परसों नहीं तरसों। तो ये करते करते हमारा कोई भी काम कंप्लीट हो नहीं पाएगा और हमारा शरीर भी इतना आलस में रहेगा कि बस पूछो ही मत। तो सुबह टाइम से उठकर अपने जो डेली की रूटीन है वो करना, और फिर फटाफट से नहा धो के हो जाना भी रेडी, और रेडी होके करना पूजा। तो मेरे लिए तो यही सबसे अच्छा होता है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है इस तरह से। भाई घर में भी साफ़ सफाई टाइम से हो जाती है और खुद का भी अच्छे से नहा धो के तैयार होके पूजा करो, और पूजा करने से भी पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में फैल जाती है और हमारा शरीर भी हो जाता है बिल्कुल ऐसा खिला खिला सा कि अपने काम को भी टाइम से करने की आदत एक बार बन जाती है तो फिर हम अपने टाइम को टालते नहीं, अपने काम को टालते नहीं, टाइम से करते रहते हैं। तो भी एक बार आदत बन जाती है तो फिर ये आदत छूटने वाली नहीं, और आदतें जैसे हमने पकड़ रखी है बहुत सारी जो वैसी आदतें हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ अच्छी आदतें डालनी होगी, तब जाके ये हो पाएगा। तो मैं सुबह के टाइम पे हो चुकी हूँ तैयार, और तैयार होने के बाद मैंने कर ली है भाई यहाँ पे अब पूजा। ईशिका का पेपर था तो वो जा चुकी है स्कूल अपना पेपर देने के लिए, और अभी मैं पूजा करके मैं जाऊँगी भी मंदिर में, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं मंदिर में नहीं गई हूँ, तो भी मंदिर में जाना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार मन में बड़ा उदास उदास सा हो जाओ भी मन, तो चले जाना चाहिए मंदिर। तो कई बार हमारे आसपास इतना नेगेटिव वातावरण हो जाता है कि बस पूछो ही मत, ना चाहते हुए भी उसमें हमें पढ़ना पड़ता है और वो हमारे सिर पर हो जाता है भी हैवी। तो उस हैवी जो दिमाग पर हैवी हो रखा है उसको दूर करने के लिए तो भाई शांति तो चाहिए है, मन को भी और दिमाग को भी। तो उसको शांत करने के लिए हम चलते हैं अभी मंदिर में, और टाइम हो रखा था 9:30 बजे का टाइम हो रखा है। तो अभी बस मैं दे देती हूँ भाई सूर्य देव को अर्घ, उसमें मैंने मिला रखा है सिंदूर और गंगा जल, ताज़ा पानी का लोटा भर रखा है, तो अभी मैं पानी देकर आती जी गुड हूँ। मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ मैं सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, और मैं हो गई तैयार, जोत बत्ती मैंने लगा ली है और अपनी टोकरी रेडी कर ली है। मंदिर में जाऊँ भाई, बहुत दिन हो गए मंदिर में गए, तो मन में थोड़ी सी शांति हो जाएगी, क्योंकि बहुत वैसा हो जाए भाई अगर मंदिर में नहीं जाते, जोत बत्ती नहीं करते, और 10 बजे में 10 मिनट रह गया। बाकी मैंने सारा काम अपना कर रखा है, खाना पीना सब कुछ रेडी कर रखा है, झाड़ू लगा दी, पोछा लगाऊंगी नहीं, बादल से है, धूप भी है, कदे बादल भी हो जाए हैं तो भाई सील हो जाएगी नमी सी। तो मैं चलूँ फटाफट तय मंदिर में, तो चलिए भी आप भी दर्शन कर ले माता रानी के, भोले बाबा के, तो चलो फटाफट मंदिर में। सारा सामान ये कर रखे मैंने यहाँ पर रेडी, और ये टोकरी ले ली, अब इसने बस ढक लूँ, और गाय की रोटी वाला आन लग रहा था, मैं सोचू थी वो आ जाता तो उसने देखा फिर चलती कि तो दूर स्पीकर बाजा है और मेरी सारी सफेद जुल्फे दिखाई देने लगी। इसमें कपड़ा बना रखा था उसका ये वाला, ये इसके ऊपर ढक लूँ और चलो भाई फटाफट मंदिर। तो अभी पहुंच चुकी हूँ मैं मंदिर में, और मंदिर में चल रहा अभी काम यहाँ पे, और चलिए माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। तो माता रानी की जय हो, माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माता रानी के साथ साथ बजरंगबली हनुमान जी के भी वही दर्शन कर लो, क्योंकि वो भी साथ में ही विराजमान है और उनके बगैर तो कुछ होता नहीं है, कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखे। तो भी यहाँ पे मैंने शिव जी भोले को जल चढ़ा दिया है, उसके बाद में चलते हैं, पीछे है शनि देव का मंदिर तो वहाँ पे भी दर्शन करके आते हैं। तो चलिए भी
चारों तरफ घूम कर देख लिया, यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। भाई पहले जब हमारी शादी हुई थी जब ये एक ही वो था बस, माता माता का मंदिर, और अब तो भाई धीरे धीरे काम चल रहा है और पूरा बड़ा हो चुका है अभी मंदिर। तो चलिए शनिदेव महाराज के भी दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद में चलेंगे घर पर। और साथ में हैं ये माताएं, ज्योति है भाई माता, और यहाँ पर आ गई थी मैं घर पर, और घर पर आने के बाद पापा के पास आया हुआ था भी कोई बाहर से आदमी, तो उनके लिए मैंने बनाई चाय। वैसे तो मेरे को खाना खाने का हो रखा था मन, पर अब चाय बन गई तो भी इसमें एक्स्ट्रा चाय यहाँ तो पे मैं है बैठी ही। थी और यहाँ पर चटर चटर की आवाज़ आवा देखा चारों तरफ, और फिर मेरा ध्यान अड़ गया। मैंने थोड़ी थोड़ी तो ये पाए के ऊपर तो ये उतार दी, और ये इतना खोदते खोदते ये देखो ये जो कीड़ा है ना मेरा हिलता हुआ नजर आ रहा होगा, ये कीड़ा लग रहा है इसमें, और पूरे पूरे के पूरे पाए ना खराब कर देगा। देखो ये हलचल सी हो रही, तो ये निकालना पड़ेगा, ये वाला ये वो गिर गया नीचे, देखो मेरा छोटा सा। और ये सारी खिड़की दरवाजे हैं ना इनमें लग गए, और ये कर दिया भी बिल्कुल थोथा, तो अभी निकाल तो दिया है, देखेंगे आगे ना कुछ और ना होगा तो ये ठीक ठाक रह जाएगा, वरना ये सारा ही हो गया। देखो कितना ये यहाँ पे बैठू ना जब ये आवाज़ आओ चटर 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 चटर, और अभी इसमें मशीन वाला तेल वो डालना पड़ेगा, पूरा अंदर तक कर रखा है, देखो कितना अंदर तक चाकू चले जा, थोथा कर दिया पूरा पाया। गाड़ी रोक दिया वरना पूरे न खा जाता है, चून बना कर धर दिया, चून को मिट्टी करके चूरा चूरा। और अब चालू भी मैं इशिका ने लेन, उसका पेपर हो जाएगा 1:30 बजे, उसके पापा छोड़ गए थे सुबह और मन लेन जाना है, और मैं यहाँ पर वीडियो एडिट करने लग गई और लेट होगी। हेलमेट ले लूँ भाई, स्कूटी तो बाहर निकाल रखी है, और अपना ये सरपोर्डन का ये ले लूँ, और वीडियो के चक्कर में लेट ना हो जाऊँ, इसीलिए भी फटाफट हो जाऊँ मैं तैयार। यो बांध लेती हूँ मास्क, वीडियो अपलोड करनी थी एडिट करनी थी इसीलिए होगी भी लेट, 40 मिनट का रास्ता है। तो फटाफट पहुंचूंगी उसके पास, थोड़ी देर में मिलेंगे, तब तक आप वीडियो ना लाइक कर दो। क्या का एडवांस का पेपर था वो बहुत मुश्किल पेपर आ रहा था, बहुत मुश्किल। चल गाड़ी के पीछे खड़ी है, अब आ चुके हैं हम घर पे, और लेके आए हैं इसमें है इमरती चटोरी, चटोरी छोरी इमरती लेके आई है, और साथ में है समोसे, क्योंकि भैया का भूख लग रही है, स्कूटी चला कर ये रेस दे देंगे मेरे हाथों के काले, और ये चिग से खरीदे हैं चिग्गे, और ये भी शिवलिंग हो गया था खंडित, तो भी एक नया शिवलिंग लेकर आए हैं। तो अब कर ले मैं पेट पूजा, उसके बाद में करेंगी काम दूजा। और रास्ते में इतनी धूल मिट्टी, बस पूछो ही मत, अरे हो गया मेरा हाथ भी कती है, धोना पड़ेगा ठंडे ठंडे पानी से। ये देखिए भाई ये चटोरी लड़की खा रही है यहाँ पे समोसे, और साथ में है इमरती लेके आई है रोटी खाने का, तो भी इसका मन करता नहीं बेचारी क्या करे, और इमरती खाने का और समोसे खाने का मन कर रहे हैं। तो अभी मैं अपनी क्रिएटिविटी आपको दिखा देती हूँ। तो भाई थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और पेट पूजा करने के बाद मैं लग गई थी
एप्रन सिलना था मेरे को, ये बिल्कुल फट चुका है और इसने भाई बहुत दिनों तक मेरा साथ दिया। तो यहाँ पे अब मैं कट कर लेती हूँ, ये पैंट का एक पीस है मेरे पास, तो भाई ये काफ़ी मजबूत कपड़ा है, काफ़ी दिन तक चल जाएगा। तो भाई यहाँ पे बस एप्रन को इस तरह से डबल फोल्ड करके और कपड़े को भी डबल फोल्ड करके इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब इस कट करने के बाद इसमें बस डोरी लगानी है। अगर ये वाटरप्रूफ बनाना है तो इसके अंदर हम भाई प्लास्टिक की कोई भी पॉलीथीन वगैरह हम इसमें लगा सकते हैं, हम मजबूत वाली थैली, कोई भी प्लास्टिक का ये है चावल वाला जो कट आता है उसका भी लगा सकते हैं, तो मजबूत हो जाता है और वाटरप्रूफ हो जाता है। तो इसमें मैंने डोरी कट कर ली है और साथ में ही एक पॉकेट बनाऊंगी बेड के साइड में लगाने के लिए। दख से आ गया तू, टिफिन धरा के था जित जित तेरी वो रखी थी मेरा नंबर तो उड़ जावे तो बीमार ना बोला तो जित पैसे रखे थे, फीस रखी थी उसके पास में रखा था, और सुबह ये लंच बॉक्स भूल कर चला गया और भूखा रहा है ना, खा लिए। अच्छा दोस्तों ने खिला दिया, ठीक है तो हम तेरे लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, देख समोसे दाल में दे दो नीचे। भैया ये इमरतिया का चटोरा, ये छोरा हाथ नहीं धोए पहला लाग गया है। गौर से देखो भी, गौर से लड़के को हाथ धोले गंदे हाथ धोले समोसे ले ले, हाथ धो का है, हाथ धो। और आज सुबह एक काम इनको सौंपा था विपति देव को कि भाई ये लंच बॉक्स है और दक्ष के बैग में रख दो, और वो ऐसा हुआ कि भी फीस भी और लंच बॉक्स भी एक जगह पे रखा था और वो फीस उठा के ले गए और लंच बॉक्स वहीं पर रह गया, इतना बुद्धू है। और वो देख देख कर मेरा पूरे दिन ऐसे लहू जलता रहा कि भाई दक्ष तो भूखा रहेगा आज पूरे दिन, पर ऐसा नहीं होता, बच्चे आपस में शेयर कर लेते हैं। तो उसने वहाँ पर खा लिया था पर फिर भी माँ की आत्मा नहीं मानती, तो मेरे को बड़ा बहुत दुख हो रहा था कि अगर नहीं आपने रखना था तो मेरे को बोल देते, मैं उसके बैग में हमेशा रखती हूँ, अगर मैं बैग के पास में रख दूँ तब भी वो छोड़ के चला ही जाता है, तो मैं हमेशा उसके बैग के अंदर ही डालती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने सील दिया है, जो एप्रन था वो भी सील दिया है, और बेड के साइड में लगाने के लिए एक पॉकेट भी सील दी है। तो भी कई बार ऐसा होता है जो मेरे को भी अपना हिसाब किताब नोट्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी होती है जो मैं भूल जाती हूँ, तो वो मैं लिख लेती हूँ और फिर साइड में ही उस पॉकेट में मैं डाल देती हूँ। ये होता है फ़ोन रखने की जगह भी वहीं पे हो जाती है, और छोटी मोटी एक आध चीज़ें भी उसमें डल जाती है क्योंकि साइड में टेबल है, रखने की जगह है नहीं, अगर रखेंगे तो फिर पैरों में लगता रहेगा, और तो इसलिए मैंने एक छोटी सी पॉकेट बना रखी है, बेड के साइड में ही लगा रखी है। और ये है जो एप्रन मैंने सिला है, और इसमें मैंने दो पॉकेट लगा ली क्योंकि भाई मैं जब रसोई में काम करती हूँ तो मैं भजन चला लेती हूँ, तो भी ऐसा होता है कई बार इसके अंदर पॉकेट के अंदर अंदर ही डाल कर और मैं घूमती रहती हूँ और मेरा भजन अपना चलता रहता है। तो भाई खाना बनाते टाइम ज़रूर सुना करो अब भजन। तो यहाँ पे मैंने आलू की और मटर की सब्जी बनाई है अब बस, और आटा लगा के और रोटी बनानी बाकी है, शाम का टाइम हो गया है, ये आलू मटर की सब्जी हो चुकी है मेरी तैयार, और अब बस इसके बाद जो संध्या आरती होती है शाम के टाइम की पूजा होती है वो कर लेती हूँ। तब तक आप वीडियो को भी लाइक कर दें, हो सके तो भी शेयर भी करना, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि भाई वीडियो आपको कैसी लगती है। तो फिर मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, आज की वीडियो में ही इतना ही, तो फिर मिलते हैं, बाय। सुंदर सरस्वती की नाम पाल दी तुमने दिन दिन अनुपूर्ण जब बाला तुमने आदि सुंदर पाला पर लगन सब नाचन हरी।